हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजन और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एक वेबसाइट कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। हम इस वीडियो में वेबसाइट का हेडर पार्ट बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमने वेबसाइट का हेडर पार्ट बना रखा है जिसमें एक लोगो है और एक नेविगेशन बार है और ये एक टाइटल है और ये दो बटन्स हैं और हमने एक यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज यूज़ की है जिसके ऊपर हमने ओवरले यूज़ की है। सो, हम इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम रखेंगे वेबसाइट। हम इसके अंदर एक ये लोगो यूज़ करेंगे और ये एक इमेज यूज़ करेंगे। सो, हम इन दोनों इमेजेस को इस फोल्डर के अंदर डाल देते हैं और इस फोल्डर के अंदर हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे CSS। अब हम अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करेंगे और अपनी HTML की फाइल को सेव कर देंगे वेबसाइट फोल्डर के अंदर index.html के नाम से, और अपनी CSS फाइल को भी सेव कर देंगे हम वेबसाइट फोल्डर के अंदर जो हमने CSS फोल्डर बनाया है उसके अंदर हम सेव करेंगे स्टाइल नाम से जिसकी एक्सटेंशन होगी .css। सो, अब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। हम इसका टाइटल दे देंगे वेबदेव क्रिएशंस। हम यहाँ पे लिंक टैग को यूज़ करके अपनी CSS की फाइल को HTML की फाइल के साथ लिंक कर देते हैं। हमारी CSS की फाइल है CSS फोल्डर के अंदर जिसका नाम है style.css। अब हम यहाँ पे एक हेडर टैग लगाएंगे जिसके अंदर हम एक div टैग बनाएंगे। उस div की हम क्लास दे देंगे मेन और उस div के अंदर हम एक UL टैग लगाएंगे अनऑर्डर लिस्ट नेविगेशन बार क्रिएट करने के लिए, और UL टैग के अंदर हम LI टैग लगाएंगे और LI टैग के अंदर हम एंकर टैग लगाएंगे लिंक्स क्रिएट करने के लिए। हम यहाँ पे HRF में हैश इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि जब भी हम इस लिंक पे क्लिक करें तो ये किसी दूसरे वेब पेज पे रिडायरेक्ट ना करे। तो हम इस लिंक का नाम दे देते हैं होम। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे 4-5 बार पेस्ट कर देते हैं। हम यहाँ पे बाकी लिंक्स का नेम चेंज कर देते हैं, सर्विसेज, गैलरी, अबाउट, कॉन्टैक्ट। हम इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र में ओपन करते हैं। ये देखिए हमारे यहाँ पे लिंक्स शो कर रहे हैं। अब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। पहले हम यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ करके सारे टैग्स की मार्जिन और पैडिंग ज़ीरो कर देते हैं और हम अपनी फॉन्ट फैमिली रखेंगे सेंचुरी गॉथिक। अब हम यहाँ पे इस हेडर टैग की स्टाइलिंग करेंगे। हम इसको बैकग्राउंड इमेज देंगे URL 1.jpg। हम इसको सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। हम यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश लगाना पड़ेगा। देखिए हमारी यहाँ पे इमेज शो कर रही है बट हमें यहाँ पे इमेज की हाइट देनी पड़ेगी 100 VH। हम यहाँ पे बैकग्राउंड साइज यूज़ करेंगे कवर और बैकग्राउंड पोजीशन यूज़ करेंगे सेंटर। हम इसको सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए अब ये इमेज एकदम परफेक्ट शो हो रही है। अब हम अपने UL की सेटिंग करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे UL लिस्ट स्टाइल टाइप नन। हम चाहते हैं कि ये जो हमारे लिंक्स हैं ये राइट साइड पे शो हो,
उसके लिए हम यूएल को फ्लॉट राइट कर देंगे। हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये राइट साइड पे आ गए। अब हम अपने एलआईज की सेटिंग करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे यूएल एलआई। तो हम यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक देंगे ताकि हमारे लिंक्स है जो साइड बाय साइड शो करें। ये देखिए अब ये साइड बाय साइड शो कर रहे हैं। अब हम जो हमारी ये ए टैग है इनकी स्टाइलिंग करेंगे, उसको हम लिखेंगे यूएल एलआई के अंदर जो ए है उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन हो जाए नन, कलर हो जाए वाइट, पैडिंग देते हैं हम इसको 5 पिक्सल 20 पिक्सल, बॉर्डर हम इसको देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, हैश FFF को सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे हमारे नेविगेशन बार के लिंक्स की स्टाइलिंग हो गई है, बट ये थोड़े ऊपर को चिपके हुए हैं तो इसको मार्जिन टॉप देनी पड़ेगी। यूएल को मार्जिन टॉप हम यहाँ पे देंगे 25 पिक्सल्स। हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए अब ये एकदम सही शो हो रहा है। अब हम इस पे हॉवर इफेक्ट लगाएंगे कि जब हम इस पे अपना माउस लेके जाए तो क्या चेंजेस परफॉर्म हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूएल एल आई ए हॉवर पे इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए वाइट, कलर हो जाए ब्लैक। हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए कि जब हम इस पे हॉवर कर रहे हैं तो इसका बैकग्राउंड कलर वाइट हो रहा है और इसके लिंक्स का कलर ब्लैक हो रहा है, बट ये स्मूथली नहीं हो रहा है। तो इसको स्मूथली वर्क करवाने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ट्रांजिशन 0.6S इज। हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए अब ये स्मूथली वर्क कर रहा है। अब हम यहाँ पे एक लोगो सेट करेंगे, तो हम यहाँ पे एक और डिव क्रिएट करेंगे जिसकी क्लास हम देंगे लोगो और उसके अंदर हम एक इमेज लगाएंगे और इमेज का सोर्स होगा लोगो डॉट png। लोगो डॉट png इमेज हमारी इस फोल्डर के अंदर है, ये आप देख सकते हैं ये वाला हमारा लोगो है, इसको हम यूज़ करेंगे। हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। हमें इसकी विड्थ और हाइट डिफाइन करनी पड़ेगी, ये बहुत बड़ा शो हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट लॉगो img। हम इसको फ्लॉट पहले लेफ्ट कर देंगे और इसकी विड्थ सेट कर देंगे 150 पिक्सल्स और हाइट हम इसकी ऑटो दे देंगे। हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए अब ये एकदम परफेक्ट शो हो रहा है। अब हम इस मेन डिव की मैक्स विड्थ सेट करेंगे। मैक्स विड्थ हम इसकी देंगे 1200 पिक्सल्स ताकि जो हमारे वेबसाइट है वो सेंटर में शो हो, और इसको मार्जिन हम दे देंगे ऑटो। अब आप देखेंगे जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो दोनों साइड से स्पेसिंग आ जाएगी। ये देखिए अब ये एकदम परफेक्ट शो हो रहा है। यहाँ पे हम होम लिंक को क्लास एक्टिव दे देंगे और इस एक्टिव क्लास की हम स्टाइलिंग करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे यूएल एल आई डॉट एक्टिव ए। हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए जो हमारा
होम है उसका पहले से ही बैकग्राउंड वाइट और टेक्स्ट कलर ब्लैक है, क्योंकि हमें हमने उसको एक्टिव क्लास में डिफाइन कर दिया है। सो मैं यहाँ पे इसको ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। अब ये और भी अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक टाइटल लिखेंगे और उस टाइटल के नीचे दो बटन्स क्रिएट करेंगे। सो उसके लिए हम HTML कोड में आते हैं। हम इस डिव के बाद एक और डिव क्रिएट करेंगे जिसकी हम क्लास देंगे टाइटल, और इसके अंदर हम एक H1 टैग लगाएंगे और हम H1 टैग में लिखेंगे वेब देव क्रिएशंस। हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है, बट हम चाहते हैं कि ये सेंटर में शो हो, तो हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे डॉट टाइटल, जो कि हमारी इस डिव की क्लास है। हम क्लास को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसकी पोजीशन दे देंगे एब्सोल्यूट, और इसको टॉप से हम 50% देंगे, लेफ्ट से हम इसको देंगे 50%, और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट हम इसको देंगे -50% -50%, और इसके बीच में आएगा कॉमा। हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए अब ये सेंटर में आ गया। अब हम H1 की स्टाइलिंग करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट टाइटल H1। हम इसका कलर कर देते हैं वाइट, और फॉन्ट साइज़ हम इसका कर देंगे 70 पिक्सल। हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए अब ये एकदम सही शो हो रहे हैं। अब हम इस इमेज के ऊपर एक ओवरले लगाएंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज में लिखना पड़ेगा लीनियर ग्रेडियंट RGBA 0,0,0,0.5। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको कॉमा डाल के एक और बार पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे हम कॉमा डाल देंगे। हम इसको सेव करते हैं। अब आप देखेंगे जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की ओवरले आ जाएगी जो कि ट्रांसपेरेंट होगी। अब आप देख सकते हैं कि ओवरले लगाने से जो हमारा टेक्स्ट था और जो हमारा नेविगेशन बार था वो एकदम क्लियरली शो हो रहा है। सो अब हम यहाँ पे बटन्स क्रिएट करते हैं। बटन्स क्रिएट करने के लिए हमें HTML कोड में जाना पड़ेगा और यहाँ पे एक और डिव क्रिएट करना पड़ेगा जिसकी क्लास हम देंगे बटन। उसके अंदर हम एंकर टैग यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे एंकर टैग लिखेंगे वॉच वीडियो। हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे अपने दूसरे बटन का नाम लिखेंगे लर्न मोर। हम इसको क्लास दे देंगे BTN। हम इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र में रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए ये बटन यहाँ पे शो हो रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि ये इसके नीचे शो हो, तो हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे डॉट बटन, जो कि हमारी इस डिव की क्लास है। हम यहाँ पे टाइटल का कोड कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हम इसको सेव कर देंगे। अब आप देखेंगे जब मैं यहाँ इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये बटन्स भी सेंटर में शो करेंगे।
ये देखिए, बट जो हमारा टाइटल है और हमारे बटन्स है वो एक दूसरे के ऊपर नीचे शो हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये बटन थोड़े नीचे शो हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो टॉप है वो थोड़ा बढ़ा देंगे। हम टॉप यहाँ पे कर देंगे 60, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए अब ये एकदम परफेक्ट शो हो रहे हैं। अब हम बटन की स्टाइलिंग करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे .btn, जो कि हमारी इन एंकर टैग्स की क्लास है। हम यहाँ पे बॉर्डर दे देंगे 1 pixel सॉलिड हैश FFF, और यहाँ पे हम पैडिंग दे देंगे 10 pixel 30 pixel, टॉप और बॉटम से 10 pixel, लेफ्ट और राइट से 30 pixel। कलर हम यहाँ पे दे देंगे वाइट। टेक्स्ट डेकोरेशन हम कर देंगे नन। हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए हमारे बटन्स की स्टाइलिंग हो गई है। अब हम इस पे हॉवर इफेक्ट लगाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे .btn हॉवर। हम यहाँ से सेम प्रॉपर्टीज कॉपी कर लेंगे जो हॉवर इफेक्ट हमने अपने नेविगेशन बार के लिंक्स पे लगाया है, वही हम इस बटन पे लगाएंगे। और हम यहाँ पे ट्रांजिशन ऐड कर देंगे 0.6s इज। हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए अब हमारे यहाँ पे हॉवर इफेक्ट चल रहे हैं। यहाँ पे हमें टॉप थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमारे बटन थोड़े और नीचे शो हो, तो हम यहाँ पे टॉप दे देंगे 62। हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए ये एकदम परफेक्ट शो हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे वेबसाइट का हेडर पार्ट बन चुका है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।